तो चलिए, जय हिंद। अभी तो जिंदगी का असली इम्तिहान बाकी है, अभी तो जिंदगी का असली उड़ान बाकी है, अभी तो मापी मैंने मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो बिल्कुल आप लोग थंबनेल देख लिए हैं, एकदम इससे क्वेश्चन आ रहा है और आसानी से चुटकी में समझ जाएंगे। चुटकी में एकदम कुछ सेकेंडों के अंदर आप लोग सोल्व कर दीजिएगा, ये वादा है। उससे पहले आप लोग सोचते हैं सिर्फ इस पर जो है ग्रुप डिस्कशन होता है चैनल पर, बिल्कुल नहीं। जितना भी चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, जितना भी इम्पोर्टेंट चैप्टर था ग्रुप डी के दृष्टि से, उसको जो है डाल दिया गया। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में जाइए, ठीक है ना, या मैथ रीजनिंग में जाइए और देखिए जितना भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चाहे आपका पादप जगत हो, जंतु जगत हो, पादप उत्तक हो, पेरियोडिक टेबल हो, या परमाणु संरचना बारे में हो, यानी जितना भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट था, रासायनिक अभिक्रिया क्वेश्चन पूछ रहा है वो हो, या संतुलन करना हो, सारा पढ़ा दिया गया। आप लोग एक बार जाकर देखिए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीकरण अवकरण, ठीक है। चलिए एकदम धुआं धुआं कर देंगे, चुटकी में समझेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक तरफ हम लिख रहे हैं ऑक्सीकरण, क्या लिख रहे हैं, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण बने रहिएगा एकदम, सारा से समझ आएगा और शेयर भी करिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा। और एक तरफ हम लिख रहे हैं ऑक्सीकरण यहाँ हुआ, और एक तरफ लिख दिए अवकरण, क्या लिखे हैं, अवकरण। अवकरण देखो, ऑक्सीकरण को जैसे किसी भी व्यक्ति हो उसका दो नाम होता है, ठीक है ना, एक होता है सगर का नाम और एक होता है दोस्त का नाम, तो उसका अलग अलग रहता है, चबोकन वोकन क्या क्या नाम रहेगा। उसी प्रकार ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण को हम बोल लेते हैं उपचयन, क्या बोल लेते हैं, इसका एक और नाम पूछेंगे, बोलेंगे ए ऑक्सीकरण तुम्हारा एक और नाम क्या है, तो बोलेगा मेरा एक और नाम उपचयन है, क्या है, उपचयन है। उसी प्रकार पूछेंगे ए अवकरण तुम्हारा एक और नाम क्या है, ये बोलेगा मेरा एक और नाम अपचयन है, क्या है, अपचयन है, क्या है, अपचयन है, ठीक है ना। अब देखिए सिंपल समझना है, इसको इंग्लिश से बोल देंगे ऑक्सीडेशन, क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, क्या बोलेंगे, फिर से बोलो, प्यार से बोलो, जोर से बोलो, ऑक्सीडेशन। इसको बोल देंगे रिडक्शन, क्या बोलेंगे, रिडक्शन, ठीक है ना। तो चलिए हम फटाफट देख लेते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पहले समझना है कि मतलब कभी कभी परिभाषा से या डायरेक्ट थ्योरी में पूछ देता है कि निम्नलिखित में किसके कारण ऑक्सीकरण होता है, तीन चार ऑप्शन दे देगा, बोलेगा ए सही, बी सही, ए बी सही, या सभी गलत, या सभी सही, इस तरह पूछता है। देखिए यार कहना पहले सिंपल, उसके बाद हम देखेंगे कॉन्सेप्ट, देखेंगे किस कौन ऑक्सीकारक है, कौन अवकारक है, किसका ऑक्सीकरण होता है यानी किसका ऑक्सीकृत होता है, कौन अवकरण होता है यानी किसका अवकरण अवकृत होता है, ये सारा देखेंगे, ठीक है ना। तो लेकिन पहले, उससे पहले देखिए यहाँ पर सिंपल पहले याद रखना है, पहले क्या रखना है, देखिए हम चुटकी में याद हो जाएगा, ठीक है ना। पहले याद रखना है ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना, और यहाँ पर दो और तीन खाली छोड़ देते हैं, ठीक है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। ये एक सिर्फ एक देख लीजिए, इसका उल्टा वो हो जाएगा एकदम सिंपल। अभी बहुत सारा देखेंगे, रिएक्शन देखेंगे, उसको भी करवाएंगे, रासायनिक अभिक्रिया का रिएक्शन डाला हुआ है वो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, उसमें सारा डाल दिए, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन, विघटन, अवघटन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, द्वि विस्थापन अभिक्रिया, वैद्युत अवघटन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया, उसी में डाले हैं उदासनीकरण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, सारा चीज उसमें डाला हुआ, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, देख लीजिएगा। पहले लिस्ट में बजाय देखिए तो ऑक्सीजन का जुटना दो तीन खाली छोड़ रहा है, फिर नंबर चार में बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं वो आगे आप लोग को समझ आएगा। तो ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना, फिर लिख रहे हैं क्या, फिर चलो यहाँ पर तीन नंबर में लिख देते हैं, तीन नंबर में लिख रहे हैं हाइड्रोजन का टूटना, हाइड्रोजन का टूटना, हाइड्रोजन का टूटना, और चार नंबर खाली छोड़ दिए हैं, और पांच नंबर में लिख रहे हैं क्या, पांच नंबर में लिख रहे हैं क्या, इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, तो इलेक्ट्रॉन क्या त्यागना, इलेक्ट्रॉन का त्यागना, ठीक है ना। और छह नंबर और सात नंबर इसी से बन जाएगा, और आठ नंबर लिख रहा है ऑक्सीकरण, 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 ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, और नौ नंबर इससे खुद बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया जो है ना, ये हमेशा ये दोनों को साथे साथे मिलाकर बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, क्या बोलते हैं, साथे साथे मिलाकर बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे बोलेगा कि ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया को एक साथ क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, और ये बोलता है जन्म जन्म के साथ है हमारा तुम्हारा, यानी बोलेगा ऑक्सीकरण, बोलेगा कि ऑक्सीकरण के बिना अवकरण नहीं होगा, अवकरण के बिना ऑक्सीकरण नहीं होगा, लेकिन ये साथ साथ होने वाला है, ऐसे नहीं बोलता है,
राम नहीं मिलेगा हनुमान के बिना, हनुमान नहीं मिलेगा श्री राम के बिना, ये दोनों साथ साथ होने वाला अभिक्रिया है। यानी किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ, इसका मतलब है उसका उल्टा वाला जो पदार्थ है उसका अवकरण हुआ। क्या हुआ? अवकरण हुआ, ठीक है ना। जैसे आप ही का बोलिएगा आप लोग, क्या आज मेरा यार के शादी है, तो तुम्हारा यार के शादी है तो तुम्हारा यार के शादी किसी के यारनी के शादी के साथ जरूर होता होगा। अरे सिंपल बात है, समझे। यहाँ पर कोई बोलेगा लड़का का शादी है तो लड़का की शादी अकेले होगा, यानी इसके लिए कोई लड़की का भी शादी होता होगा तब न होगा। लड़का की शादी बोलेंगे तो यानी लड़की का भी शादी हो रहा है, तब ये ना होगा ये दोनों का शादी हो जाएगा। यानी बोलेंगे लड़का की शादी तो समझ आना लड़की की भी शादी हो रहा है, किससे? लड़कवा से। लड़की की शादी यानी समझ आना इसके लिए कोई लड़का तैयार है, इसके लिए क्या है कोई लड़का तैयार है। इसलिए ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया साथ साथ होता है, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया साथ साथ होता है, जिसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना। अच्छा बताओ, सिंपल बताना है, प्यार से बताना है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन जो है वो ऋणात्मक तत्व है, ओ धातु है यानी ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक है। ऋणात्मक मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन को यह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को यह ग्रहण करेगा। तो ऑक्सीजन जो है क्या? ओ धातु है यानी विद्युत ऋणात्मक। क्या है? विद्युत ऋणात्मक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, प्यार से देखिए। देखिए ये वाला रटना नहीं है, इसी से निकल रहा है ये वाला। यानी ऑक्सीजन का जुटना यानी विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुटना, बोल सकते हैं कि नहीं बताइए आप लोग, बताइए मेरे प्यारे देशवासियों, बोल सकते हैं कि नहीं। तो यानी ऑक्सीजन का जुटना यानी ऑक्सीजन है ऋणात्मक यानी विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुटना। उसे बता हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन लिखो, HCl लिख दो, H2SO4 लिख दो, HNO3 लिख दो, कुछ भी लिख दो, तो आगे प्लस पीछे माइनस, आगे प्लस पीछे माइनस, आगे प्लस पीछे माइनस। यानी हाइड्रोजन ओ धातु होते हुए भी धनायन होता है। क्या होता है? धनायन होता है। यानी हाइड्रोजन का टूटना यानी इसी को दूसरा शब्द में क्या बोल सकते हैं? बताइए आप लोग, बोल सकते हैं विरुद्ध हाइड्रोजन कैसा है? धनात्मक। तो विरुद्ध धनात्मक तत्व का टूटना, यहाँ का टूटना यानी अलग होना यानी जुदाई होना यानी विदाई होना, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन का त्याग। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कोई त्याग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन बोल रहा है ले ले, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? वो धनायन बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? उसमें धन आवेश का वृद्धि हो रहा है। अरे इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिव। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिव। कोई भी परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटोन होता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, ले फेंक दे रहा है, इलेक्ट्रॉन को फेंक दिया यानी इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है, तो धन आवेश का वृद्धि हो गया, इलेक्ट्रॉन निगेटिव कम हो गया और पॉजिटिव ज्यादा हो जाएगा, निगेटिव बाहर चल गया, पॉजिटिव का मन बढ़ जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का त्याग मतलब हुआ कि धन आवेश का वृद्धि होना। क्या होना? धन आवेश यानी धन आयन का वृद्धि होना यानी पॉजिटिव चार्ज का वृद्धि होना, पॉजिटिव का वृद्धि होना। बताइए इसे रटना थोड़े है, एक के बात आपको दो तीन तरह से कहीं कैसे से पूछ देता, परीक्षा में एक ही बात को घुरा उड़ा पूछ देगा, इससे होना उससे होना, ABC तीनों सही है। तो देखिए अब बताओ, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है यानी माइनस वाला फेंका रहा है यानी प्लस वाला बढ़ रहा है, प्लस वाला बढ़ रहा है, तो धन आवेश का वृद्धि होना। यहाँ बोल सकते हैं ऋण आवेश का कमी होना। बताओ बोल सकते हैं कि नहीं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फेंका जा रहा है, इलेक्ट्रॉन फेंका रहा है यानी माइनस वाला फेंका गया, माइनस वाला फेंका गया यानी ऋण आवेश यानी निगेटिव का कमी हो गया। क्या हो गया? कमी होना। क्या हो गया? कमी होना। अब देखिए ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना। ऑक्सीकरण संख्या आप लोग नहीं जानते तो कमेंट कीजिएगा चुटकी में मात्र 10 मिनट के अंदर आप लोग को कोई भी ऑक्सीकरण संख्या निकालना होना चुटकी में निकालिएगा आप लोग, चुटकी में आप टीचर बन जाइएगा, ठीक है ना। तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं बोलिएगा तो बना देंगे, उसके बाद इसको बताएंगे। देखो ऑक्सीकरण संख्या मतलब होगा कि संयोजकता में वृद्धि होना यानी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना यानी संयोजकता में वृद्धि होना। संयोजकता आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं तो लिस्ट में जाइए और सब कुछ देखिए, परमाणु वाला जाइए देखिएगा, पूरा एकदम ऊपर लिखा हुआ है, लिस्ट में जाइए और देखिए आप लोग का, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर बस इसी तरह दे देगा, बोलेगा निम्नलिखित में ऑक्सीकरण का कारण है, ऑक्सीकरण मतलब निम्नलिखित में उपचयन का कारण है, क्या कारण है? इसमें दो तीन को लिख देगा, ठीक है ना, और लिख देगा ए और बी दोनों या ए और ABC दो तीनों या इनमें सभी लिख देगा या इनमें से कोई नहीं रहेगा, इससे पता रहेगा तब ना इसको रखना है कि नहीं। ये वाला याद है इसको ऐसे लिख देंगे, ये याद है तो इसको ऐसे लिख देंगे, कैसे लिखेंगे देखिए यहाँ पर हम इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ बोले तो ऑक्सीजन का जुटना, यहाँ बोलेंगे ऑक्सीजन का टूटना, क्या बोलेंगे बताओ? ऑक्सीजन का टूटना। यहाँ बोले थे क्या? यहाँ तीन नंबर देखिए, यहाँ तीन नंबर क्या बोले थे? तो तीन नंबर बोले थे हाइड्रोजन का टूटना, यहाँ बोलेंगे हाइड्रोजन का जुटना, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ बोले थे क्या? यहाँ बोले थे इलेक्ट्रॉन का त्याग, पांच नंबर में क्या बोले थे? चार नंबर छोड़ो, पांच नंबर क्या बोले थे? इलेक्ट्रॉन का त्याग,
यहाँ बोले थे इलेक्ट्रॉन का क्या, तो यहाँ बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण। और यहाँ बोले थे ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, फिर 6 दिए थे, फिर 7 दिए थे, फिर बोले थे यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, तो यहाँ बोलेंगे ऑक्सीकरण संख्या में कमी। और देखिए आप बना सकते हैं यहाँ विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुटना, यहाँ बोलेंगे विद्युत ऋणात्मक तत्व का टूटना, ऐसे न याद है फिर भी देखो ऑक्सीजन का जुट टूटना, ऑक्सीजन का है विद्युत ऋणात्मक, यानी विद्युत ऋणात्मक तत्व यहाँ टूट रहा है, विद्युत ऋणात्मक तत्व का टूटना यानी अलग होना, यानी जुदाई होना, यानी विदाई होना। यहाँ हरियन का जुटना, हरियन का जुटना, हरियन मेरा है विद्युत धनात्मक और जुट रहा है यानी वृद्धि हो रहा है, तो बोलेंगे विद्युत ऋणात्मक तत्व में तत्व का जुटना, क्या बोलेंगे का जुटना, जुटना यानी मिलन होना यानी वृद्धि होना। अब देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा यानी इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव, क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव यानी निगेटिव के मन बढ़ जाएगा, बोलेगे हम हो गए बहुत ज्यादा, यानी इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव यानी ऋण आवेश में वृद्धि होना। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ था ऋण आवेश का कमी, यहाँ जाएगा ऋण आवेश में वृद्धि, क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा ऋण आवेश में वृद्धि। और ऋण आवेश वृद्धि हुआ तो बेचारा प्रोटोन वहां दब के रहेगा यानी प्रोटोन में कमी, यानी यहाँ धनावेश में वृद्धि हुआ, यहाँ बोलेंगे धनावेश में कमी। यहाँ देखो बोले संयोगता में वृद्धि बोले थे, यहाँ बोलेंगे संयोगता में कमी, संयोजकता में कमी, तो सब याद रखना है, नहीं हम तीन गो चार गो तो याद था सब लिख दिए, संयोगता में कमी बस हो गया। अब एग्जांपल पर आते हैं, ये सब तो हो गया बहुत पंडित जी जैसा थ्योरी का बात हो गया, क्या हो गया थ्योरी का बात हो गया। और अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और बहुत सारा चीज़ पढ़ाया हुआ है आप लोग, देखिए प्रोड्यूस टेबल ऐसा पढ़ा दिया कि आप लोग जिंदगी में कभी वैसा नहीं पढ़ाओगे, ये मतलब घमंड रहे ये विश्वास है। आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 दो को डाला हुआ है, केमिस्ट्री में जाएगा तो मिल जाएगा, बायोलॉजी में जाएगा तो बायोलॉजी वाला मिलेगा, फिजिक्स में जाएगा फिजिक्स वाला मिलेगा, सारा मिल जाएगा, मैराथन भी देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है, जाके एक बार देखिए और लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, बताइएगा फटाफट आप लोग, मेन आपको क्या याद रखना है, मेन बताया था जो लिखे थे, एक ये याद रखना है, ठीक है ना, एक आपको ये याद रखना है, ये हो गया इसके सहायता से निकाल सकते हैं, एक आपका ये हो गया, अब बताइए इसके सहायता से ये वाला बोले थे, इसके सहायता से ये दोनों बोल दिए हैं, ठीक है ना। और ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, ऑक्सीकरण संख्या से सहायता से ये बोल दिए, यही चार गो है। इसी प्रकार यहाँ पर ये जब याद रहती है ऐसे बोल सकते हैं, ये जब याद रहती है ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो मेन जो है ज्यादा नहीं है, ज्यादा बौखना नहीं है, साइंस काफी इजी होता है, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं कैसे, आप देखते हैं एग्जांपल। अब आप लोग देखो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं, चमक नहीं रहा इधर, थोड़ा देख लेते हैं हम उसके बाद, चलिए बिल्कुल एकदम अच्छा है, बिल्कुल एकदम झकास है। अब देखिए बोलेंगे एक कार्बन तो शादी कर ले ऑक्सीजन से, तो बोलेगा एकदम शादी करेंगे हम, तो उसीलिए पागल है, कार्बन करेगा ऑक्सीजन से शादी, बन गया CO2। अब बताइए आप लोग फटाफट बताइए, लेकिन थोड़ा उससे पहले ब्रेक मारिए। वहां पूछता है कि निम्नलिखित में किसका ऑक्सीकृत हुआ है, जिसका ऑक्सीकरण होगा उसका ऑक्सीकृत हुआ, क्या हुआ ऑक्सीकरण को ही बोलेंगे ऑक्सीकृत। बोलेगा किसका ऑक्सीकृत हुआ, जिसका ऑक्सीकरण होगा उसका ऑक्सीकृत हुआ, उसका ऑक्सीकृत हुआ, और जिसका अवकरण हुआ उसका अवकृत हुआ, वो अवकृत हुआ। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, पूछा कौन सा पदार्थ जो है अवकारक है, ऑक्सीकारक है। ध्यान दीजिए, थोड़ा ब्रेक मारिए। देखिए जिसका होता है ऑक्सीकरण, प्यार से बोलो, जिसका होता है ऑक्सीकरण उसे बोलते हैं अवकारक। क्या बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं, ऑक्सीकरण हो रहा है तो ऑक्सीकारक नहीं बोलना है, ऑक्सीकरण हो रहा है तो अवकारक बोलना है, जिसका होगा ऑक्सीकरण उसे बोलेंगे अवकारक। क्या बोलेंगे, अवकारक। और अवकारक को ही और क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं क्या, अपचायक। क्या बोल सकते हैं, अपचायक। क्या बोलेंगे, प्यार से बोलो, अपचायक बोलेंगे, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब देखिए जिसका होगा अवकरण उसे बोलेंगे ऑक्सीकारक, यानी बिल्कुल उल्टा। अवकरण हो रहा है तो अवकारक नहीं बोलेंगे, अवकरण हो रहा है तो बोलेंगे ऑक्सीकारक। क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक, या इसी को बोलेंगे उपचायक। क्या बोलेंगे, उपचायक बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो बोले थे कार्बन ऑक्सीजन से शादी कर ले, बोलेगा एकदम शादी करेंगे, तो
देखो ऑक्सीजन पे जुटा, यहाँ ध्यान दो, कार्बन में ऑक्सीजन जुटा, कार्बन में क्या जुटा, कार्बन में ऑक्सीजन जुटा, ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, क्या कहलाता है, जल्दी बोलो, प्यार से बोलो, दुरार से बोलो, ऑक्सीकरण क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण को ही क्या बोलते हैं बताओ, उपचयन क्या बोलते हैं, तो उपचयन क्या बोल देंगे, उपचयन बोल देंगे। पूछेगा बताओ किसका 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 ऑक्सीकरण, कौन पदार्थ ऑक्सीकृत हुआ, तो कार्बन जो है ऑक्सीकृत हुआ, कार्बन क्या हुआ ऑक्सीकृत हुआ, यानी बोल देंगे कि कार्बन जो है उसका ऑक्सीकृत हुआ, क्या हुआ ऑक्सीकृत हुआ, ऑक्सीकृत हुआ, बोलेगा किसका अवकरण हुआ, तो जो बच गया अरे लड़का शादी हुआ, अब जयमाला जो पिना रहा है उस लड़की से हुआ, उसी प्रकार इसका हुआ ऑक्सीकरण, कार्बन का हुआ ऑक्सीकरण, कार्बन का हुआ उपचयन, कार्बन को ही बोलेंगे कि कार्बन ऑक्सीकृत हुआ, ऑक्सीकृत हुआ, तो बता दो किसका अवकरण हुआ, तो ये ऑक्सीजन का अवकरण हो जाएगा। अब आप लोग पता है जिसका होता है ऑक्सीकरण, बोलेगा निम्नलिखित में से कौन, इसका रिएक्शन दे देता है, अब बोलता है निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है अवकारक है, अब आप लोग फटाक से ना बताइए, आप लोग फटाक से ना बताइए, कार्बन का हुआ ऑक्सीकरण और जिसका होता ऑक्सीकरण उसे बोलते हैं अवकारक या अपचायक, अवकारक या अपचायक, अवकारक या अपचायक, यानी 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 कार्बन 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 मेरा क्या हो गया, कार्बन मेरा हो गया अवकारक, क्या हो गया जल्दी बताइए, अवकारक हो गया, या बोलेंगे अपचायक हो गया, क्या हो गया अपचायक हो गया, क्या हो गया अपचायक, तो बोलो बोलो बोलो, तो ऑक्सीजन मेरा क्या हुआ, तो इसका उल्टा, जब इसका हुआ ऑक्सीकरण तो ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा, ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा क्या बता जल्दी, अवकरण 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 को क्या बोलते हैं, अपचयन 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 को क्या बोलते हैं, अवकृत 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 अवकृत, यानी ऑक्सीजन का हुआ अवकृत, ऑक्सीजन का हुआ अवकृत। अब बताओ जिसका होता है अवकरण उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक या अपचायक, ऑक्सीकारक या उपचायक, ऑक्सीकारक या उपचायक, यानी ऑक्सीजन मेरा क्या हो गया, ऑक्सीजन मेरा हो गया ऑक्सीकारक 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 या उपचायक, क्या हो गया उपचायक, बस एकदम है, कोई दम नहीं, अभी आगे देखते हैं। उसी प्रकार बताइए फिर आप, एस प्लस ओ टू, एस ओ टू क्या हुआ, एस ओ टू, अब देखो यहाँ सल्फर के पास, सल्फर के पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन इधर गए तो सल्फर के पास शादी हो गया, सल्फर शादी कर लिया ऑक्सीजन से, यानी ऑक्सीजन में पगलवा जुट गया, दोनों कर लिया शादी, तो ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीकरण क्या कहलाता है, तो इसका हुआ ऑक्सीकरण, क्या हुआ, बोलेगा किसका ऑक्सीकरण हुआ, सल्फर का ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण को और कुछ बोलते हैं, हाँ ऑक्सीकरण को उपचयन भी बोलते हैं, तो कभी कभी ऑक्सीकरण नहीं लिखा रहेगा तो उपचयन बोलना है, क्या बोलना है उपचयन बोलना है, क्या बोलना है उपचयन बोलना है, या बोले कि कौन सा पदार्थ का ऑक्सीकृत हुआ, कौन सा पदार्थ ऑक्सीकृत हुआ, यानी ऑक्सीकरण बोले या ऑक्सीजन बोले या ऑक्सीकृत बोले सेम है, यानी सल्फर का सल्फर का सल्फर का ऑक्सीकृत हुआ, क्या हुआ ऑक्सीकृत हुआ। अब बताओ 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 जिसका होता है ऑक्सीकरण, जिसका होता है ऑक्सीकरण उसे बोलते हैं अवकारक या अपचायक, क्या बोलते हैं, यानी यानी सल्फर मेरा क्या हो गया, सल्फर मेरा हो गया अवकारक या अपचायक, क्या हो गया अपचायक। अब आप लोग प्यार से बताइए, सिंपल बात है कि सल्फर का हुआ ऑक्सीकरण तो ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन का होगा अवकरण, ऑक्सीजन का क्या होगा अवकरण हो जाएगा, बस उल्टा हो जाता है, अवकरण को ही क्या बोलेंगे अपचयन, क्या बोलेंगे अपचयन, या बोलेगा कौन सा पदार्थ का अवकृत हुआ, कौन सा पदार्थ का अवकरण हुआ या अपचयन हुआ या अवकृत हुआ, तो बोलेंगे ऑक्सीजन, यानी इस पदार्थ का क्या हुआ, इस पदार्थ का क्या हुआ अवकृत हुआ, और जिसका होता अवकरण, जिसका होता अवकरण, जिसका होता अवकरण उसे बोलते हैं ऑक्सीकारक या उपचायक, क्या बोलते हैं, तो ये मेरा हो गया ऑक्सीकारक, क्या हो गया ऑक्सीकारक, क्या हो गया ऑक्सीकारक या उपचायक, क्या हो गया उपचायक, कौन हो गया ऑक्सीजन। और ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग रिएक्शन में, ध्यान दीजिएगा इधर जो होता है ना, जो तीर के इधर होता है उसको बोलते हैं अभिकारक, क्या बोलते हैं अभिकारक, और जो तीर के उधर होता है उसको बोलते हैं प्रतिफल, क्या बोलते हैं प्रतिफल। अगर आप लोग को ऑक्सीकरण अवकरण चुनना है, ऑक्सीकरण अवकरण चुनना है, तो हमेशा इधर वाला पर ध्यान देना है, देखो इधर वाला था ना, इधर पर ही हम ध्यान दिए थे, इधर वाला का ही होता है, इधर वाला नहीं होता है, ठीक है ना, यानी 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 ऑक्सीकरण अवकरण चुनना है तो इसे सुनेंगे, ऑक्सीकारक अवकारक चुनना है तो इसे सुनेंगे, इससे नहीं, बस कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे कंपेयर। चलिए और आप बताते हैं, ऐसे देखिए एग्जाम्पल दे देते हैं आप लोग को, क्या ऐसे देखिए, बोलिए ऑक्सीजन का जुटना क्या विरुद्ध ऋणात्मक का जुटना ना है, बिल्कुल ऑक्सीजन क्या है विरुद्ध ऋणात्मक, जुट गया ऑक्सीजन क्या है विरुद्ध ऋणात्मक, जुट गया तब भी तो ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या ऑक्सीकरण हो रहा है। अब देखिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जैसे देखिए आप लोग को दे देगा क्या जैसे यहाँ पर दे दिया है सी यू ओ प्लस, हाँ सी यू ओ प्लस एच टू दे दिया, क्या दिया एच टू दे दिया, और दिया दोनों को भिड़ा दिया, तो बोला एकदम फरिया ले बेचारा, ये दोनों के शादी होल था, ये प्लस था ये माइनस था, लेकिन 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 जैसे ही जो ऑक्सीजन है ये देखा था हाइड्रोजन से, इसको प्यार हो गया हाइड्रोजन से, क्या हो गया हाइड्रोजन से प्यार हो गया, किससे प्यार हो गया हाइड्रोजन से, बोला हटक कोपर को कर दिया ब्रेकअप, क्या किया ब्रेकअप, आई दोनों कर लिया दोस्ती तो बन गया एच टू ओ, बेचारा कोपर बेचारा कोपर बेचारा कोपर दोनों को दोस्ती को प्यार को टुकुर टुकुर देख रहा है,
है, कुछ नहीं कर पा रहा है। क्या कर पा रहा है? कुछ नहीं कर पा रहा है। थोड़ा इसको नीचे लिखते हैं। क्या बोले थे हम बोले थे क्या, एग्जाम्पल जितना दीजिए देंगे उतना समझ आएगा। तो बोले थे सी यू ओ प्लस, क्या बताए थे, एच टू बताए थे, हाइड्रोजन गया इसको पोट लिया, बोला हम दोनों दोस्त पोट लिया तो H2O। अब बेचारा कॉपर जो है टुकुर टुकुर बगल बम देख रहा है कि मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरा क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया। अब देखिए पूछ रहा कौन किसका ऑक्सीकरण हुआ, किसका अवकरण हुआ, किसका कौन ऑक्सीकारक है, कौन अवकारक है, चुटकी में बताएंगे, चुटकी में। देखिए यहाँ पर, यहाँ हम ध्यान से देखिए, प्यार से देखिए, बेचारा ये कॉपर, ये जो है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर के पास ऑक्सीजन है, कॉपर के पास ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, तो गए कॉपर, इधर देखे कॉपर, इधर भी खोल लिए कॉपर, इधर देखे कॉपर, इधर भी खोल लिए कॉपर। अब देखो कॉपर के पास ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर क्या था, पेचअप था, पेचअप था, आराम से दोनों नंबर एक दूसरे से जनन मरण के साथ है, कसम खा रहा है, लेकिन कसम तोड़ दिया। यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन का टूटना क्या कहलाता है, अवकरण। अवकरण यानी इसका हो गया क्या, इसका हो गया अवकरण। क्या हो गया अवकरण, अवकरण नहीं लिखा रहेगा तो क्या लिखा रहेगा, तो अवकरण को ही बोलते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं, अपचयन। यानी 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 CuO का क्या होगा, CuO का अपचयन हुआ। अगर अपचयन नहीं लिखा हुआ तो क्या लिखा रहेगा, अवकृत हुआ। कौन अवकृत हुआ तो बता दो, कौन अवकृत हुआ, तो CuO अवकृत हुआ, CuO अवकृत हुआ। अब बताइए जिसका होता है अवकरण, जिसका होता है अपचयन या अवकृत होता है, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हम ऑक्सीकारक पदार्थ। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ, या ऑक्सीकारक पदार्थ ना लिखा रहेगा तो बोलेंगे उपचायक पदार्थ। क्या बोलेंगे, उपचायक पदार्थ। क्या बोलेंगे, उपचायक पदार्थ। बस हो गया, तो दम था, बिल्कुल दम नहीं था, दम था बिल्कुल नहीं। तो यानी CuO मेरा क्या होगा, ऑक्सीकारक पदार्थ। ऑक्सीकारक नहीं लिखा रहेगा तो हिंदी में लिखा रहेगा अब उपचायक पदार्थ, उपचायक पदार्थ। अब बोलेंगे हाइड्रोजन, तो बल्ले बल्ले हो गए लोग, हाइड्रोजन को बोलेंगे तुम्हारा तो बल्ले बल्ले हो गया, तुम्हारे पास यहाँ पर कोई ना था, तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड नहीं था, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन को देखेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ अकेले था, लेकिन हाइड्रोजन देखो यहाँ ऑक्सीजन को पटा लिया, ऑक्सीजन को पटा लिया, यानी ऑक्सीजन जुटा के टूटा, तो बेचारा यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ ऑक्सीजन आ गया, यानी ऑक्सीजन जुटा, ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है, तो ऑक्सीकरण। क्या करता है बता दो, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण कराता है। ऑक्सीकरण को ही क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण को ही बोलते हैं उपचयन। क्या बोलते हैं, उपचयन, या इसी को बोलेंगे कि H2 का क्या हो रहा है, तो H2 का जो हो रहा है वो हो रहा है ऑक्सीकृत हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है। बस हो गया। अब बोलेगा बताओ कि H2 मेरा क्या है, जिसका होता है ऑक्सीकरण या उपचयन या ऑक्सीकृत जिसका होता है, उसे बोलते हैं अवकारक या अपचायक। यानी ये H2 जो है ये मेरा हो गया अपकारक। क्या हो गया, अवकारक, या हो गया अपचायक। क्या हो गया, अपचायक। अब बताइए पहचान पाइएगा कि नहीं, बताइए सिंपल पहचान लेना है, पहचान लीजिएगा, फिर देखिएगा कंपेयर करके। अभी और बताएंगे इलेक्ट्रॉन का त्याग बताएंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का त्याग ना बता देंगे आप लोग को, फिर बता देंगे यहाँ पर धन आवेश ऋण आवेश को कैसे करते हैं सब बताएंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल को हम देखते रहना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिख दिए, क्या लिखे हैं, यहाँ पर लिख दिए H2S, क्या लिखे हैं, H2S। चलो ये लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं पहले और एग्जाम्पल, जितना एग्जाम्पल देखिएगा उतना क्लियर होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं H2S प्लस क्या, H2S प्लस प्लस Cl2। अब देखिए ये दोनों हाइड्रोजन और सल्फर एकदम मस्त जिंदगी जी रहा है, बोल रहा है ना हम दोनों सात जन्मों के साथ हैं, कभी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना, यानी मस्त जिंदगी जी रहा है, आगे प्लस पीछे माइनस। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे ये क्लोरीन को देखा, क्लोरीन क्या होता है, गैस है, तो क्या होगा माइनस। जैसे ये माइनस को देखा कि हाइड्रोजन जो है माइनस को भूल गया, बोला हट तेरा सुंदर मिल गया हमारा, यानी हाइड्रोजन जो है दोस्ती कर लेता है Cl से, बोलता हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, अब दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाएगा, यानी हाइड्रोजन क्लोरीन से दोस्ती कर लेगा, अब बना लेगा HCl। क्या बना लेगा, HCl। बेचारा सल्फर टुकुर टुकुर देखते रहेगा, कुछ ना कर पाएगा, तो सल्फर देखते रह गया। अब देखिए, अब कंपेयर कीजिए, यहाँ देखिए सल्फर यहाँ पर है, सल्फर यहाँ पर है, क्या है यहाँ पर है। अब थोड़ा यहाँ ध्यान से देखिए, सल्फर के पास किससे प्यार था, हाइड्रोजन से प्यार था, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर है बिल्कुल नहीं है, यानी हाइड्रोजन क्या दिया धोखा दिया। जब हाइड्रोजन धोखा दिया, यानी हाइड्रोजन टूटा के जुटा, तो हाइड्रोजन टूट गया, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, यानी हाइड्रोजन गया टूट, और हाइड्रोजन का टूटना, ऑक्सीकरण, यानी इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण, पूरे पदार्थ को बोलेंगे, ठीक है ना, तो इसका हुआ ऑक्सीकरण।
क्या हुआ? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण नहीं लिखा मिलेगा तो क्या लिखा हुआ मिलेगा? उपचयन। उपचयन नहीं लिखा हुआ मिलेगा तो क्या लिखा हुआ मिलेगा? बोलेगा कौन सा पदार्थ ऑक्सीकृत हो रहा है? तो बोलेंगे H2S मेरा ऑक्सीकृत हो रहा है। और जिसका होता है ऑक्सीकरण से क्या बोलते हैं? यानी इसको बोलेंगे अवकारक। बोलेगा कौन सा पदार्थ अवकारक है? यानी H2S अवकारक है। या इसी को बोलेंगे अपचायक। यानी कौन सा पदार्थ अपचायक है? यानी H2S अपचायक है। H2S क्या है? अपचायक है। अब यहाँ ध्यान से सुनिए, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन। बेचारा क्लोरीन, क्लोरीन अभी बाल ब्रह्मचारी था, बाल ब्रह्मचारी था, किसी से दोस्ती नहीं था, प्रेमी नहीं था, यारी। लेकिन यहाँ क्लोरीन की देखो, क्लोरीन पगल बिगड़ गया, क्लोरीन जो है बिगड़ गया। अरे क्लोरीन तेरा पास कौन है था? लेकिन क्लोरीन जो है हाइड्रोजन को पटा लिया, हाइड्रोजन को पटा लिया। यहाँ का हाइड्रोजन नहीं था लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया। यानी हाइड्रोजन जुटा के टूटा, बताइए आप लोग प्यारे भाइयों एवं बहनों, जुटा के टूटा, हाइड्रोजन जुटा। यहाँ हाइड्रोजन नहीं था, यहाँ हाइड्रोजन आ गया, यानी हाइड्रोजन जुटा। तो हाइड्रोजन का जुटना, हाइड्रोजन का जुटना अवकरण। सिंपल बोलेंगे कि इसका क्या हो रहा है? इसका हो रहा है अवकरण। क्या हो रहा है? अवकरण हो रहा है। अवकरण को और कुछ बोलते हैं? हाँ, और कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपचयन। क्या बोलते हैं? अपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपचयन बोलते हैं। और अपचयन को क्या बोलते हैं? तो अवकृत बोलते हैं। पूछा किसका अवकृत हो रहा है? कौन अवकृत हो रहा है? तो Cl2 अवकृत हो रहा है, Cl2 अवकृत हो रहा है, Cl2 अवकृत हो रहा है। और जिसका होता है अवकरण, जिसका होता है अपचयन, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑक्सीकारक या उपचायक। बोलेगा कौन सा ऑक्सीकारक है या कौन सा उपचायक है? तो बोलेंगे Cl2 जो है मेरा, ये क्या है? ये मेरा जिसका अवकरण होता है, उपचयन होता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीकारक। यानी ये मेरा Cl2 जो है, ये मेरा ऑक्सीकारक है। क्या है? ऑक्सीकारक है। या इसी को बोलेंगे उपचायक है। क्या बोलेंगे? उपचायक है। बस कितना सिंपल है, बताइए। और एग्जांपल दे दें, एकदम सारा डाउट क्लियर करना है यहीं पर, एकदम 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 गर्दा उड़ा देना। चलिए और देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल दे दिए हम, क्या जो काफी पूछा जाता है, ZnO। क्या दिए? ZnO। आप दे दिए कार्बन सिलेक्शन करवाएं, जैसे कार्बन सिलेक्शन कराएंगे दोनों मिलकर एकदम जर्ने लगेगा, बना लेगा क्या? CO बना लेगा, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया। बेचारा ZN टुकुल टुकुल देखते रह गया, ZN क्या होगा? टुकुल टुकुल देखते रह गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए, गौर से देखिए इस प्राणी को। और यहाँ पर है जिंक, तो जिंक पास ले जाइए, जिंक पास ले गए तो बेचारा जिंक के पास ऑक्सीजन से दोस्ती है, यारी है, प्रेम है, प्रेम है, प्रेम है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? ब्रेकअप, ब्रेकअप, ब्रेकअप। ऑक्सीजन हो गया ब्रेकअप, ऑक्सीजन गया टूट, ऑक्सीजन का टूटना, ऑक्सीजन का टूटना, ऑक्सीजन का टूटना अवकरण। यानी ZnO का क्या हुआ? तो ZnO का अवकरण हुआ। क्या हुआ? अवकरण हुआ। और अवकरण को ही क्या बोलते हैं? अपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपचयन बोलते हैं। या बोलेगा किसका अवकृत हुआ? कौन अवकृत हुआ? तो ZnO मेरा अवकृत हुआ। क्या हुआ? अवकृत हुआ। क्या हुआ? अवकृत हुआ। और जिसका होता है अवकरण, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ऑक्सीकारक। क्या बोलते हैं? यानी पूछेगा किसका ऑक्सीकारक हुआ? तो ZnO का ऑक्सीकारक हुआ। या ऑक्सीकारक को ही बोलते हैं उपचायक। क्या बोलते हैं? उपचायक। या पूछेगा किसका उपचायक हुआ? तो ZnO का उपचायक हुआ। अब यहाँ कार्बन के देखो, निठल्ला कोई नहीं पूछ रहा है, निठल्ला कोई नहीं पूछ रहा है। लेकिन यहाँ कार्बन को खोज लो, इधर बोलेंगे कार्बन मिल जा, बोलेगा मिल गई गुरु जी, हाँ मिल गया है ना। बोलेंगे कार्बन तुम तो अकेला है रे, इधर ऑक्सीजन की तुम पटा लिया, ऑक्सीजन की तुम पटा लिया हो, यानी ऑक्सीजन से तुम दोस्ती हो गया हो, यानी ऑक्सीजन तुम्हें जुट गया है, ऑक्सीजन तुझमें जुट गया है। यानी जुट गया तो क्या हुआ? जुटना, 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 ऑक्सीकरण। क्या हुआ? तो हो गया है ऑक्सीकरण। क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को ही क्या बोलते हैं? उपचयन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण को ही बोलते हैं उपचयन। यानी 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 कार्बन का हुआ ऑक्सीकरण, यानी उपचयन हुआ। इसी को बोलेंगे क्या? ऑक्सीकृत होना। क्या होना? किसका ऑक्सीकृत हुआ? कौन ऑक्सीकृत हुआ? तो कौन ऑक्सीकृत हुआ? तो कार्बन ऑक्सीकृत हुआ। और जिसका होता है ऑक्सीकरण यानी उपचयन, यानी ऑक्सीकृत होता है, उसे बोलते हैं अवकारक या अपचायक। बोलेंगे कौन अवकारक यानी अपचायक है? बोलेंगे कार्बन क्या है? तो कार्बन जो है मेरा अवकारक है। क्या है? अवकारक है। या बोलेंगे अपचायक है। क्या बोलेंगे? अपचायक है। बताओ कोई दिक्कत है? आप ही लोग बताइए कोई दिक्कत है। अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और बता रहे हैं अभी, और एग्जांपल देंगे, जितना एग्जांपल देंगे उतना आप लोग को क्लियर होगा, उतना कॉन्फिडेंस जगेगा, ठीक है ना। इसको मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। तो चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक्चुअल लिख दिया, क्या हम लिख दिए हैं, मान लो यहाँ पर लिख दिए हैं HCl+MnO2। और ये दोनों करेगा दोस्ती यारी करेगा तो क्या बनेगा? ये दोनों दोस्ती यारी करेगा, थोड़ा नीचे लिख रहे हैं HCl+MnO2, और ये दोस्ती यारी करेगा तो बोलेगा ये
ये देखो एम एन कर लेगा करो इससे दोस्ती, देखो प्लस माइनस तो एम एन कर लेगा इससे दोस्ती और ये कर लेगा इससे दोस्ती, तो बनेगा एम एन सी एल टू, क्या बनेगा प्यार से बोलो एम एन सी एल टू, एम एन सी एल टू ये करेगा इससे दोस्ती, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोस्ती करेगा तो बनेगा एस टू ओ और साथ में निकलेगा क्लोरीन गैस, क्या निकलेगा क्लोरीन गैस। अब बताइए प्यार से बताइए, जोर से बताइए, फिर से बोलिए, जैसे जोर से बोलिए, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ देखो क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन नजर आ रहा है और यहाँ पर देखो क्लोरीन, यहाँ पर देखो क्लोरीन। अब बताओ क्लोरीन के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन था कि नहीं, आप ही लोग बताइए दोस्तों, था कि नहीं हाइड्रोजन से क्लोरीन को प्यार था कि नहीं, तो बिल्कुल प्यार था, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन है तो बिल्कुल हाइड्रोजन नहीं है, यानी हाइड्रोजन क्लोरीन को धोखा दिया कि नहीं दोस्तों, बताइए आपने धोखा दिया है, यानी हाइड्रोजन टूटा के जुटा दोस्तों, तो हाइड्रोजन क्या हुआ टूट गया तो क्या हुआ ऑक्सीकरण, यानी HCl का क्या हुआ ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीकरण को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, उपचयन को ही क्या बोलते हैं ऑक्सीकृत बोलते हैं। और जिसका होता है ऑक्सीकरण उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अवकारक बोलते हैं, यानी अवकारक कौन पदार्थ हो गया तो HCl हो गया, जिस अवकारक को ही और कुछ बोलते हैं, हाँ बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपचायक बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपचायक बोलते हैं, कोई दिक्कत है बताओ, तुम बोलेगा हम यहाँ क्लोरीन को नहीं देखेंगे, हम क्लोरीन को देखेंगे यहाँ क्लोरीन, लेकिन क्लोरीन के साथ दोस्ती किसका है, हाइड्रोजन का है, लेकिन यहाँ क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है दोस्तों, बिल्कुल नहीं है, हाइड्रोजन इसको धोखा दिया कि नहीं बताइए, तो धोखा दिया है, यानी प्यार में इसको धोखा मिल गया क्लोरीन को, यानी प्यार में धोखा मिल गया, इसका न्यू बॉयफ्रेंड मिल गया एम एन, यानी हाइड्रोजन धोखा देता, हाइड्रोजन टूट गया तो फिर भी तो ऑक्सीकरण नहीं होगा। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ पर O2 क्या है, O2 है, और यहाँ पर ध्यान दीजिए O क्या है, O है। अब यहाँ ध्यान दीजिए O2 के पास हाइड्रोजन है कि नहीं, बिल्कुल नहीं है, लेकिन O2 के पास यहाँ पर क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन इसका पहले बॉयफ्रेंड नहीं था लेकिन अब बॉयफ्रेंड बन गया, हाइड्रोजन बन गया है, तो बताओ हाइड्रोजन से ही दोस्ती हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ, यानी हाइड्रोजन से क्या हुआ टूटा के जुटा, तो बिल्कुल जुटा, तो हाइड्रोजन का जुटना क्या कहलाएगा, तो कहलाता अवकरण, क्या कहलाता है अवकरण कहलाता है, अवकरण को ही क्या बोलते हैं, अवकरण को ही बोलते हैं अपचयन, क्या बोलते हैं अपचयन बोलते हैं, या इसी को बोलेंगे कौन सा पदार्थ का अवकृत हुआ, तो कौन पदार्थ अवकृत हुआ, यानी एम एन ओ टू पूरे बोलेंगे, इकट्ठे पूरे बोलेंगे, तो एम एन ओ टू का अवकरण हुआ, अपचयन हुआ, अवकृत हुआ। अब आप लोग बताइए जिसका होता अवकरण उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक कौन है, तो एम एन ओ टू मेरा ऑक्सीकारक है, एम एन ओ टू मेरा क्या है ऑक्सीकारक है, यानी उपचायक है, क्या बोलेंगे उपचायक है, क्या है उपचायक है, बताइए। अब आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा देखिए इस तरह भी क्वेश्चन पूछ देता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस तरह क्वेश्चन पूछ देगा, लिखेगा एल्युमिनियम, ऐसे लिख देगा यहाँ पर क्या एफ ई प्लस टू, और यहाँ पर कर देगा इस तरह, कर देगा एफ ई प्लस थ्री, प्लस थ्री कर दिया है और यहाँ लिख दिया प्लस वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। अब आप लोग खुद बताइए इंसाफ कीजिए, प्लस टू मतलब क्या हुआ दो इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ, प्लस टू मतलब क्या हुआ दो इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ, प्लस थ्री मतलब क्या हुआ तीन इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ, इलेक्ट्रॉन का त्यागना बढ़ा के घटा, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्याग दिया ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा त्याग दिया तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना कहाँ भाग गया, इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण, तो क्या हुआ इसका मेरा क्या हुआ, ये मेरा हुआ ऑक्सीकरण, बता दीजिए प्यार से क्या हुआ ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीकरण को ही क्या बोलेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे, उपचयन बोलेंगे या ऑक्सीकृत बोलेंगे या दूसरा तरीका, देखो यहाँ प्लस में वृद्धि, धनावेश में वृद्धि, तो देखो यहाँ प्लस कितना था दोस्तों, प्लस दो था, यहाँ प्लस कितना हुआ तीन हो गया, धनावेश में क्या हुआ वृद्धि हुआ, धनावेश में वृद्धि हुआ तो क्या हुआ ऑक्सीकरण हुआ, क्या हुआ ऑक्सीकरण हुआ, और जिसका होता है ऑक्सीकरण उसे बोलते हैं उपचयन, और जिसका होता है ऑक्सीकरण उसे को बोलते हैं अवकारक या अपचायक, बता दो एफ ई प्लस टू मेरा क्या है, एफ ई प्लस टू जो है ये मेरा हो गया क्या, ये हो गया अवकारक, अवकारक को ही क्या बोलेंगे अपचायक, क्या बोलेंगे अपचायक, बोलो समझ आया कि नहीं। उसी प्रकार मान लो लिख दिए हम क्या, यहाँ पर लिख दिए हैं सी एल टू, क्या लिखे सी एल टू, और यहाँ लिख दिए टू सी एल माइनस, अब यहाँ दो गो, यहाँ पर एक कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, और दो गो है ना, तो लिख दिए दो गो इलेक्ट्रॉन, क्या लिखे दो गो इलेक्ट्रॉन। अब आप लोग ध्यान से देखिए,
प्यार से बोलिए, आप लोग दुलार से बोलिए, मस्त होके बोलिए, मगन होके बोलिए। बताओ यहाँ पर कोई आवेश है दोस्तों? तो नहीं है, यानी जीरो आवेश है। यहाँ पर कितना आवेश हो गया? तो एक आवेश हो गया, यानी जीरो से एक आवेश हो गया, जीरो से एक आवेश हुआ। तो यहाँ पर बताना है, यहाँ पर बताना है, यहाँ बताना है ऋण आवेश का वृद्धि हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ, ऐसा ध्यान दो। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर कुछ भी नहीं था, यानी इलेक्ट्रॉन का यहाँ त्याग नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन माइनस में, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, माइनस है यानी ग्रहण किया, माइनस है यानी ग्रहण किया, प्लस है यानी दान दिया, प्लस है यानी दान दिया, माइनस यानी ग्रहण किया। और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है? अवकरण कहलाता है। बताओ इसका अवकरण हुआ कि नहीं? बिल्कुल इसका क्या हुआ? इसका हुआ अवकरण। क्या हुआ? अवकरण हुआ। क्या हुआ? अवकरण हुआ। या दूसरा तरीका ऋणावेश में वृद्धि, ऋणावेश में वृद्धि। यहां पर ऋणावेश दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, यानी ऋणावेश यहां कितना है? जीरो है, लेकिन यहां ऋणावेश कितना? एक है। तो बता दो ऋणावेश में वृद्धि हुआ कि नहीं? बिल्कुल वृद्धि हुआ। जब बिल्कुल वृद्धि हुआ तो क्या हुआ? तो बता दो अवकरण हुआ। और जिसका होता अवकरण, जिसका होता अवकरण उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं ऑक्सीकारक। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक कहा जाता है, या बोलते हैं उपचायक। क्या बोलते हैं? उपचायक कहा जाता है। प्यार से बोलो जय माता दी। बताओ बोले कि नहीं? उसी प्रकार कुछ एग्जांपल और देते हैं, जब तक एग्जांपल नहीं देंगे तब तक नहीं होगा, एग्जांपल ही इसमें होता है, ठीक है ना। चलिए और एग्जांपल दे देते हैं, जैसे हम लिख दिए क्या, जैसे ध्यान से देखिए आप लोग, SnCl2FeCl3 ये दोनों बहुत दोस्ती यारी था, प्लस माइनस प्लस माइनस, इसका शादी इससे, इसका शादी इससे, लेकिन पहलवा एक दूसरे जब मिला है तो दोनों पठा लिया, उल्टा उल्टा शादी हो गया। इसका गर्लफ्रेंड वह चल गया इसके पास, और इसका गर्लफ्रेंड वह आ जाएगा इसके पास, यानी ये बना लेगा क्या? ये बना लेगा SnCl4। क्या बनाएगा? और बना लेगा ये, वो बोलेगा हम बना लेते हैं FeCl2। अब थोड़ा यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, तुलना करना है, तुलना करना है, तुलना करना है, तुलना करना है। इसके पास है दो, यानी इसका संयुक्ता आप लोग को पता है कि इसे सोडियम लिखे हैं, इसे मान लो यहाँ पर क्या लिखे हैं? मैग्नीशियम लिखे हैं, और यहाँ पर मान लो ऑक्सीजन लिखे हैं। इसका संयुक्ता दो होता है, इसका संयुक्ता दो होता है, दोनों इधर उधर चल जाता है, उल्टा होता है, तो बनेगा MgO, और दो कट जाएगा, पता है ना आप लोग को, इसे पता ही है। इसे लिखते हैं N, और लिख दिए यहाँ लिख दिए CO3। इसका संयुक्ता कितना होता है? एक होता है, इसका कितना होता है? दो होता है, तो Na2। दो इधर आ गया, एक गुना तीन करेंगे तो तीन ही रहेगा, तो Na2CO3 होता है। यानी ये दो जो है, यानी इसका संयुक्ता है, यानी इसका संयुक्ता कितना है? तो प्लस दो। कितना है? प्लस दो। तो इसका कितना है? कोवलिन का माइनस वन है, क्योंकि इधर पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो एक है यानी माइनस वन है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर है प्लस थ्री, प्लस तीन है, यानी तीन इसको ये दे दिया है, यानी इसका संयुक्ता कितना है? इसका अस्पर आवेश कितना है? प्लस थ्री। कितना है? प्लस थ्री। और यहाँ पर हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो एक दिखाई दे रहा है, यानी कोलिन का आवेश कितना है? तो कोलिन पर आवेश है माइनस वन। कितना है? माइनस वन। फिर यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर है चार। क्या है? चार है। चार है, इसका मतलब क्या हुआ? चार है तो इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि इस पर जो है, इसका जो है संयुक्ता चार है, यानी आवेश इस पर चार है, और ये यहाँ पर कुछ नहीं तो एक है, यानी यहाँ पर कोलिन का माइनस वन है। अब आप लोग ध्यान से देखो, प्यार से देखो, ध्यान से देखना, प्यार से देखना, क्या देखना? ध्यान से, प्यार से, यहाँ ध्यान से देखो। यहाँ पर अगर ध्यान दें हम, तो यहाँ पर SN, तो यहाँ पर देख लो SN। क्या देख लो? SN देख लो। अब बताओ SN पर प्लस टू था, SN पर कितना था? प्लस टू था। SN पर कितना था? प्लस टू था। सबको लिख दिए है ना, कुछ छुटा है नहीं? हाँ एक यहाँ छूट गया है, ये दो है तो यहाँ पर प्लस दो होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस वन होगा। क्या होगा? माइनस वन। अब देखो यहाँ पर SN, यहाँ भी SN, यहाँ पर प्लस दो, यानी धनावेश कितना है? दो गो। यहाँ धनावेश कितना है? यहाँ धनावेश कितना है? चार गो। यहाँ धनावेश दो गो, यहाँ धनावेश चार गो, धनावेश दो, धनावेश चार गो, यानी धनावेश बढ़ा के घटा। बता दो धनावेश में वृद्धि हुआ, धनावेश में वृद्धि हुआ तो क्या हुआ? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण यानी ये पूरा का क्या हुआ? ये पूरा का हो गया ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण या इसी को बोलेंगे उपचयन, या इसी को बोलेंगे ऑक्सीकृत। और जिसका होता है ऑक्सीकरण उसे क्या बोलता है? अवकारक या अपचायक। ये मेरा क्या हुआ? तो ये मेरा हुआ अवकारक या अपचायक। क्या हुआ? अपचायक। अब ध्यान से देखो क्लोरीन को देखें, क्लोरीन पर यहाँ भी माइनस वन था, यहाँ भी माइनस वन था, कोई सही नहीं हुआ। अब यहाँ ध्यान से देखो Fe बेचारा, Fe को देखो, यहाँ पर Fe है, यहाँ पर Fe है। अब गौर से देखो इसके पास कितना आवेश है? प्लस तीन। कितना आवेश है? प्लस तीन, यानी धन आवेश कितना है? प्लस तीन है। धन आवेश कितना है? प्लस तीन है। क्लोरीन को क्यों नहीं देख रहे हैं? क्योंकि क्लोरीन तो यहाँ भी माइनस वन है, यहाँ भी माइनस वन है, इसको गोली मारो। यहाँ प्लस तीन है, फिर कितना है? प्लस तीन है। यहाँ फिर कितना है? प्लस टू है। धनावेश में कमी हुआ कि वृद्धि हुआ? जल्दी बता दो, धनावेश में कमी हुआ कि वृद्धि हुआ? धनावेश में कमी हुआ, कमी हुआ, कमी हुआ। इसमें धनावेश में जब कमी हुआ, धनावेश में कमी, धनावेश में कमी, धनावेश में कमी, क्या कहलाता है? अवकरण। क्या कहलाता है? यानी FeCl3 का क्या हुआ? तो इसका हुआ अवकरण हुआ। क्या हुआ? अवकरण हुआ। और अवकरण को ही बोल सकते हैं क्या? अवकरण को ही बोलेंगे अपचयन, या इसी को बोलेंगे अपकृत हुआ। क्या हुआ? तो FeCl
थ्री क्या हुआ, अवकृत हुआ, इसी को बोलेंगे ऑक्सीकारक या उपचायक। यानी यानी FeCl3 मेरा कौन पदार्थ है, तो FeCl3 मेरा जो है ये ऑक्सीकारक क्या है, ऑक्सीकारक या उपचायक क्या है, उपचायक पदार्थ है। अब पहचानोगा कि नहीं बताओ, अब पहचानिएगा कि नहीं, बिल्कुल पहचान लीजिएगा। एक ऑक्सीकरण संख्या में आता है, तो जब हम पढ़ाएंगे आप लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालने बताएंगे, कमेंट कीजिएगा तो बता देंगे, तब उस समय आप लोग को बताएंगे कि ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर कैसे बता सकते हैं। लेकिन दो एक काफी है, एक तो ये और एक तो ये, और एक तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना, इलेक्ट्रॉन का त्यागना सही हो गया है, तो बस दो तीन को याद रखिए बन जाएगा। ये नहीं हो पता है तब कोई दिक्कत नहीं है, तो बिल्कुल बन गया, बना कि नहीं बताइए। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कैसा वीडियो लगा, ये मस्त लगा कि नहीं, झकास लगा कि नहीं, बिल्कुल नया अंदाज में सीखे कि नहीं। हम अपना पूरा एफर्ट डाल दिए आप लोग को सिखाने के लिए, एकदम गर्दा उड़ा दिए हैं। आप लोग बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आप ही लोग के सपोर्ट से आगे बढ़ेगा। तो आप लोग जिस तरह पहले करते थे उस तरह नहीं करते हैं, तो सपोर्ट कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, धुआं धुआं कर दिए हैं हर सब्जेक्ट को, इसी तरह पढ़ाए, प्यार से भरा उमंग भरा हुआ पढ़ा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत। और संघर्ष नहीं तकलीफ नहीं तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते जब आग लगी हो सीने में। वंदे मातरम, जय हिंद। थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछ लगा क्या O2 मेरा क्या है, कभी पूछ लगा HNO3 मेरा क्या है, कभी कुछ जगह बताओ कि CO2 क्या है। ध्यान दीजिएगा, जहाँ ऑक्सीजन लगा रहेगा तो ऑक्सीजन लगा रहे तो बोल देंगे ऑक्सीकारक, क्या बोल देंगे ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक। ये हमेशा सच नहीं होता लेकिन 90% सच होता है। जहाँ ऑक्सीजन लगा रहेगा तो बोल देंगे ऑक्सीकारक है, क्या है, ऑक्सीकारक है। और जहाँ हाइड्रोजन रहेगा H2 रहेगा या H2S रहेगा, तो जहाँ हाइड्रोजन रहेगा तो बोल देंगे अवकारक है, क्या है, अवकारक है। और सभी धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है अवकारक है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा यानी ऑक्सीकरण करेगा यानी अवकारक है। यानी सभी धातु अवकारक है, सभी धातु क्या अवकारक है। और जो भी अधातु होता है, अधातु होता है, अधातु होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अवकरण कहलाएगा, अवकरण कहलाएगा। यानी सभी क्या होता है, सभी होता है ऑक्सीकारक, यानी अधातु ऑक्सीकारक, अधातु अवकारक होता है। चलिए।